So hello everyone, in this video I'm going to share with you past continuous tense का कुछ structures active and passive में uses जो है next video में हम करेंगे ये इस video में हम जो structures को देखेंगे. So देखिए past continuous में हमें दो structures मिलते हैं, एक होता है active में और एक होता है passive में. ठीक है, active voice में अगर आप कोई भी sentence बनाते हो तो subject plus was were plus be verb का fourth form plus object लगता है, और वहीं पर passive को बनाना है तो फिर ऑब्जेक्ट बिकम द न्यू सब्जेक्ट. ठीक है, न्यू सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीन प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया. और जैसे एग्जांपल देख सकते हैं एक्टिव वॉइस का, आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था. ठीक है, पास्ट में जो मेरा पत्र लिखने का काम था वो ऑनगोइंग प्रोसेस में था. और इसी को अब पैसिव बनाएंगे तो फिर यहाँ पर पैसिव में थोड़ा डिफरेंट होता है कि काम जो है पत्र के ऊपर होता है, ये पत्र खुद काम नहीं करता है, सब्जेक्ट जो है काम नहीं करता है. ठीक है, यहाँ एक्टिव में आपका सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, लेकिन यहाँ पर डूअर पीछे रहता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है. जैसे अ लेटर वॉज बींग रिटन बाई मी, तो यहाँ पर पत्र यहाँ पर नहीं लिख रहा है, बल्कि पत्र नहीं कुछ नहीं लिख रहा है, बल्कि यहाँ पर पत्र को लिखा जा रहा है. ठीक है ना, द अ लेटर वॉज बींग रिटन बाई मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था. सो ये था आपका एक्टिव और पैसिव का कुछ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब इसे पास्ट टेंस को हम इसका कंजुगेशन भी कहलाता है, तो इसका और भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. एंड यूज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से करेंगे.